सत श्री अकाल, हरजीत की रसोई में आपका स्वागत है। कई बार ऐसा हो जाता है कि दूध फट जाता है और हमें समझ नहीं आता कि इससे हम क्या बनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ फटे हुए दूध से बहुत ही टेस्टी सी रसमलाई, और साथ ही मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आप इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो फिर देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। ये है 1 लीटर फटा हुआ मिल्क, और ये टोंड मिल्क है। अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क है वो फट गया है तो कोई बात नहीं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, पानी अलग है और छेना अलग है, इसे मैंने रख दिया है गैस पर। दूध जब फट जाता है तो ऐसा हो जाता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि छेना जो निकलता है ना, छोटे छोटा दानेदार होता है। तो कैसा भी हो, चाहे छोटे छोटे दानेदार हो, तो आपने कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, आपने रख देना है इसे गैस पर। इसे हमने करना है गर्म। ये पहले से ही फटा हुआ है, इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना है, ना विनेगर ना नींबू का रस, क्योंकि ये पहले से फटा हुआ ही है, बस इसे हमने गर्म करना है। अब ये गर्म हो गया है तो छेना तो अलग है ही है, पानी भी अलग है। अब इसको हम छान लेंगे। ये मैंने एक बाउल के ऊपर रख लिया है स्ट्रेनर, और इसके ऊपर रख लिया है साफ सा कपड़ा। आप कोई भी कॉटन का साफ सा कपड़ा ले लेना, इस पर रख लेना, चाहे हैंकी ले लेना। स्ट्रेनर रखने से थोड़ा सा आसान रहता है छेना को छानना। अब इसको छान लेंगे, तो जो पानी नीचे बाउल में हो गया उसे हटा देते हैं, दूसरा बाउल ले लेंगे। अब इसको धोना है तो साफ पानी डालकर इसको धो लेंगे। वैसे हमने इसमें नींबू और विनेगर किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, पर फिर भी इसे हम धोएंगे क्योंकि ये फटा हुआ दूध है, तो इससे ये फ्रेश हो जाएगा। अब 2-3 बार इस तरह से पानी से धो लेंगे। इस तरह से करने से छेना जो है बहुत गर्म भी नहीं रहेगा, और इसे निचोड़ना फिर आसान रहेगा। अब हैंकी को पकड़ लेंगे और आराम से इसको निचोड़ देंगे, इससे पानी निकाल देंगे। इसमें बहुत हल्का सा पानी रह गया है, तो अब इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, जिससे कि इसमें थोड़ा बहुत जो पानी बचा होगा वो निकल जाएगा। तब तक हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, फिर डालूँगी दूध, जिससे दूध जो है वो नीचे लगता नहीं है। तो ये मेरे पास है 1/2 लीटर बॉइल्ड मिल्क, इसे पहले से मैंने बॉयल किया हुआ था। हल्की सी अभी इसमें मलाई आई है तो इसको भी इसमें डाल देंगे। ये टोंड मिल्क है, अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क है तो आप उसको ले लेना, उससे और भी ज़्यादा अच्छी रबड़ी बनती है। अब दूध में बॉयल आ गया है तो गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। अगर हरी इलायची का पाउडर नहीं है तो 1 से 2 हरी इलायची को थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देना। अब इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो ये मैंने बादाम, काजू, पिस्ता थोड़े थोड़े लेकर उनको छोटा छोटा काट कर डाल दिया है। तो ये आपके ऊपर है, आपने कितने डालने उसी हिसाब से डाल लेना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर थ्रेड्स। इसको डालने से एक तो रबड़ी में फ्लेवर अच्छा आएगा, साथ ही कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है या आप इसे नहीं डालना चाहते हो, तो फिर आप वाइट कलर की रसमलाई बना सकते हो। वाइट कलर की रसमलाई भी बहुत अच्छी लगती है, या फिर आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला पीला कलर डाल सकते हो। अब ये देखिए, थोड़ा सा दूध जो है थिक हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप शुगर। शुगर आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा डाल सकते हो। शुगर जो है अब मेल्ट हो रही है, इससे दूध फिर से थोड़ा सा पतला हो गया है, तो इसे अभी थोड़ा सा और पका लेंगे। वैसे इसकी रबड़ी हम ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, अगर ज़्यादा थिक रखेंगे तो फिर वो रसमलाई के अंदर जाएगी नहीं। अब इसके कलर को देखें तो इसका कलर थोड़ा येलो तो हो गया है, जब ये ठंडी होगी तो इसका कलर और भी ज़्यादा येलो हो जाएगा। अब ये रबड़ी तैयार हो गई है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतनी थिक रखनी है। इसकी रबड़ी हमने पतली ही रखनी है, जैसे कि फ्लेवर वाला मिल्क लेते हैं हम मार्केट से बॉटल वगैरह में, बिल्कुल वैसे ही रखना है आपने। गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम छेना को देख लेते हैं, तो छेना से पानी जो था थोड़ा बहुत वो निकल गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ, तो आप बड़ी सी कोई प्लेट ले लेना या परात ले लेना। इसमें डाल देंगे छेना। छेना में पानी नहीं है, हाथ लगाने से बस ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा गीला गीला है, बस ऐसा ही छेना आपने रखना है।
इसे हमने पाम से देखें, हथेली से इस तरह से रगड़ना है। देखें जिस तरह से मसलना है, इस तरह से करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। इसी सेम प्रोसीजर से ही हम रसगुल्ले भी बनाते हैं, उसको बनाने का भी सेम तरीका है। तो फटे हुए दूध से रसगुल्ले की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, पर कुछ लोगों को बनाने में दिक्कत भी आई है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें मैं थोड़े से टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप रसमलाई बनाएं चाहे आप रसगुल्ले बनाएं। इसको हमने 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से मसलना है, जिससे कि इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे सफ़ेद मक्खन होता ना, वैसे ही सॉफ्ट सा हो जाएगा। रसगुल्ले जब हम बनाते हैं तब यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि इसको हम मसलते बहुत कम है। अब 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मसल लिया है, तो ये देखिए कितना अंतर आ गया है। पहले बहुत दाने थे, अब बिल्कुल भी दाने नहीं हैं, बिल्कुल सफ़ेद मक्खन की तरह हो गया है और एकदम इकट्ठा हो गया है, आपस में चिपक गया है, बिल्कुल तैयार है। अगर हम इससे अभी ही रसगुल्ले या रसमलाई बनाएंगे तो बहुत आराम से बन जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ मैदा या कॉर्नफ्लोर या अरारोट मिलाना चाहते हो तो ज़रूर मिला सकते हो, पर अगर नहीं भी मिलाएंगे तब भी बन जाएगा। दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छे आपसे रसमलाई और रसगुल्ले बन जाएंगे। पर इसमें अब मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच देखें लेबल करके डालनी है, 1 चम्मच मैं इसमें मिला रही हूँ। चाहे कॉर्नफ्लोर डालें, चाहे मैदा डालें, चाहे अरारोट डालें, पर 1 लीटर दूध के छेना में 1 चम्मच डालना। पर इसे डाल लेंगे तब भी अच्छे बनेंगे, नहीं डालेंगे तब भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसको डालकर भी आपने पहले जैसे हमने मसला था ना वैसे ही करना है। इसको अच्छी तरह से मिलाना है जिससे कि सारा कॉर्नफ्लोर पूरे छेना में अच्छी तरह से मिल जाए। अब ये तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा मक्खन का पेड़े की तरह बन गया है। तो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अब इसे हम रसमलाई बना रहे हैं, तो इसे छोटा सा एक डो ले लेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह से स्मूथ करके फिर गोल गोल कर लेंगे और हल्का सा दबाएंगे तो ये रसमलाई बन जाएगी, नहीं दबाएंगे तो रसगुल्ले की तरह बन जाएंगे। ये देखें ऐसा मैंने तैयार कर लिया, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि हम जल्दीबाजी में बना देते हैं, फटाफट उठाया कोई मसला नहीं कुछ नहीं, फटाफट से बना दिए। ये देखें उसी तरह से मैं बना के दिखा रही हूँ, ये तैयार हो गई रसमलाई, पर इसमें आप देखें कितने सारे क्रैक्स हैं। इसी तरह से बनाएंगे और चाशनी में डालेंगे तो ये ज़रूर फट जाएंगे। तो इस तरह से नहीं बनाना है, पहले करना है स्मूथ और फिर उसके बाद पेड़े की तरह बनाकर हल्का सा दबा देना और ये रसमलाई तैयार हो जाएगी। अगर आप बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आपने इसे अच्छी तरह से मसला नहीं है, तो और मसल लेना। अब ये मैंने बना ली है तो ये 8 पीस बनकर तैयार हुए हैं। अगर छोटे बनाते तो थोड़े ज़्यादा बन जाते, तो अब ये थोड़ी बड़ी साइज़ की रसमलाई बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अब इसके लिए बनानी है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए आपने एक बड़ा सा बर्तन, कढ़ाई या पैन लेना है, थोड़ा चौड़ा हो जिससे कि रसमलाई इसमें आराम से उबल सके। इसमें डालेंगे 3/4 कप शुगर और साथ में इसमें डाल देंगे पानी। तो जिस कप से नापकर शुगर डाली है उसी से नापकर 5 कप पानी इसमें डाल देंगे। इसके हमने कोई तार वाली चाशनी कुछ भी नहीं करनी है, बस शुगर को मेल्ट करना है। अब शुगर हो गई है मेल्ट, पानी में बॉईल आ रहा है, तो इसमें अब हम डाल देंगे रसमलाई एक एक करके। जब पानी में बॉईल आ जाए तभी डालनी है, अगर पानी में बॉईल नहीं आया तो उस समय आप रसमलाई नहीं डालना, इसमें एक एक करके डालना है। सारी रसमलाई मैंने इसमें डाल दी है और गैस की फ्लेम को ऐसे सेट करना है कि इसमें बॉईल जो आ रहा है ना वो आता रहे, इसमें बॉईल आता रहे। और अब आपने इसे कवर करना है, तो थोड़ा सा आगे से गैप छोड़ना है। तो इसे बनने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो अब 6 से 7 मिनट हो गए तो ये देख लेते हैं। देखिए आप साइज़ में कितनी बड़ी हो गई है रसमलाई। तो अब इनको हमने पलटना है, तो हल्के हाथ से पलटेंगे, कोई भी स्पैचुला ले लें, बहुत हल्के तरह से आप इसे पलटना। कई बार क्या होता है कलछी भी तेज़ से लग जाती है रसमलाई पर तो वो साइड से टूट जाती है, इसलिए आराम से करना है। अब वापस से इसे कवर कर देंगे और थोड़ी देर पकने देते हैं। अब 15 मिनट लगे हैं और रसमलाई देखें अब तैयार हो गई है, साइज़ में भी बहुत बड़ी हो गई है, तो गैस को कर देंगे बंद।
रसमलाई ठंडी हो गई है तो इसे मैं चाशनी से निकाल कर एक गहरी प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो इसमें निकाल ली है मैंने रसमलाई, अब इसमें अंदर चाशनी है तो इसको अब निकाल देंगे दबा दबा के। अगर इसके अंदर चाशनी रहेगी तो इसके अंदर रबड़ी नहीं जा पाएगी, इसलिए इसे दबा दबा कर चाशनी को निकालना है। तो देखिए आप कितनी सॉफ्ट बनी है रसमलाई, दबाने से कोई टूट नहीं रही है, तो दब रही है और फिर वापस वैसे ही हो रही है। तो देखिए बहुत ही अच्छी रसमलाई बनकर तैयार हुई है। तो इसे मैं एक गहरी प्लेट में डाल रही हूँ, आप गहरी बर्तन में डालना या फिर आप जिसमें रसमलाई बनाई है ना दबा दबा कर इनकी चाशनी निकाल कर आप रसमलाई वाले बर्तन में ही डाल देना, क्योंकि इसे हमने अभी 3 से 4 घंटे तक रखना है। अब मैंने प्लेट पर रसमलाई रख ली है, उसके ऊपर रबड़ी भी डाल दी है, पर इसे अभी खाना नहीं है, इसे 3 से 4 घंटे के बाद ही खाएंगे। अब 4 घंटे हो गए इसे रबड़ी में डाले हुए, तो देखिए मैं आपको एक पीस पास से दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। जब इसको दबा रहे हैं तो इसमें से रबड़ी निकल रही है, और वापस रबड़ी में डालेंगे तो फिर से रबड़ी को सोख लेती है और फिर से दबाने पर निकल रही है। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात आप देखें इसमें कलर कितना अच्छा आ गया है, इससे ही लग रहा है कि इसने अच्छी तरह से रबड़ी को सोख लिया है, क्योंकि पहले ये वाइट कलर की थी। अब एक पीस मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ, तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, काटने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो देखा आपने फटे हुए दूध से हमने कितनी अच्छी रसमलाई बना ली है। कई बार ऐसा होता है कि दूध फट जाता है, उससे हम सिर्फ पनीर ही बनाते हैं, तो आप इससे कुछ अलग बनाएं। दूध फट जाए तो आप इसे फटाफट बना सकते हो, आप इसे फ्रेश दूध से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास जब दूध फटे तभी बना सकते हो, फ्रेश दूध से भी आप इसे बना सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको छोटी छोटी सी टिप्स दी हैं, जो अक्सर हमसे रसमलाई और रसगुल्ले बनाते में गलतियाँ हो जाती हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप इन टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आपसे रसमलाई रसगुल्ले बहुत ही आराम से बन जाएंगे। तो आप इसे घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी आई हो पसंद तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।